आज हम लोग केमिस्ट्री का जो कैम एकेडमी का है ना, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कैम एकेडमी है ना, उसका मैंने यहाँ पे आज परचेज़ किया है कोर्स, जिसमें केमिस्ट्री के लिए मैंने परचेज़ किया है। उसमें क्या क्या मिलता है ज़रा वो देखेंगे। इसमें हमें कैम एकेडमी का वो इन्होंने ये बतला रखा है कि ये चीज़ का ये प्रिपरेशन देते हैं। आइए देखते हैं, ये बॉक्स दे रखा है, इसमें आखिर क्या दे रखा है। ये बॉक्स को जरा अनबॉक्सिंग करते हैं। जो हमें बॉक्स से मिला है उसमें ये कैम एकेडमी का सिलेबस है ना, मतलब कैम एकेडमी ने सिलेबस दे रखा है आईआईटी जैम का, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह है। आइए और देखते हैं अंदर में क्या है। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है ट्रेंड एनालिसिस, जैसे कि कौन कौन साल में अभी तक कितने कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। इसमें 2005 से लेकर के 2015 के इन्होंने दे रखा है। इसमें हर टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह का ये कर रखा है। और इन्होंने फिर यहाँ पर यूनिट्स वगैरह दे रखा है कि क्या क्या यूनिट्स हैं इनके। आइए और देखते हैं। देखिए, जो सबसे अच्छा चीज़ अभी इसमें वो मिला कि यहाँ पे हमें कैम एकेडमी ने एक, जैसे कि आपकी जो क्लासेस चलेंगी ना उसके बेसिस पे आपको ये DPP दी जाएगी। यहाँ पे लिख रखा है केमिकल बॉन्डिंग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इन सब का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और यहाँ पे लिखा है डेली असाइनमेंट, मतलब ये क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं। मिनिमम 100 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि काफ़ी इनफ है 100 क्वेश्चंस। और उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है कि अगर आप कोई क्वेश्चंस में अटक रहे हो तो यहाँ से आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो। इसी प्रकार से केमिकल बॉन्डिंग 2, यानी कि हर लेक्चर के बाद आपको ये DPP सॉल्व करना है। तो ये लगभग अब तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन दे रखे हैं काफ़ी सारे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे मैकेनिज्म के साथ हमें समझाने की कोशिश की है। आइए अब ज़रा देखते हैं और हमें क्या क्या मिलता है। हमें यहाँ पे 10 बुकलेट्स मिलते हैं, जो कि 3 हमें फिजिकल की, 3 ऑर्गेनिक की और 3 इनऑर्गेनिक की मिलती है। तो देखते हैं कि ये बुकलेट्स किस तरह की हैं। पहली जो बुकलेट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। यहाँ पे कैम एकेडमी का लोगो दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन्होंने कंटेंट्स, जैसे कि पहला हमारा जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसका, काफ़ी सारा जो जो टॉपिक है उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में उसके बारे में दे रखा है उन्होंने। और अच्छा, और ये बुकलेट में जितने भी चैप्टर्स है वो दे रखा है, जैसे पी ब्लॉक हो गया हमारा, एस ब्लॉक है, केमिकल बॉन्डिंग है। और देखते हैं और क्या है इसमें, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल है, तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स वगैरह दे रखा है इसमें। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, अगर नोट्स नहीं भी बनाना है तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ग्राफ वगैरह में बता रखा है, आप ग्राफ से भी समझ सकते हो चीज़ों को। अच्छा, और जैसे ही आपकी सब्जेक्ट ख़त्म होगी, मतलब ये टॉपिक ख़त्म होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उसके बाद आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कि आपके जो पहले टॉपिक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उस पर ये क्वेश्चंस हैं। फिर आप अगर आगे बढ़ोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे तो उस पर ये क्वेश्चंस दे रखा है। एटॉमिक साइज पे क्वेश्चन दे रखे हैं। इस प्रकार से इसमें सारे टॉपिक्स का क्वेश्चंस कवरअप किया है। आइए ज़रा देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुकलेट कैसा है। ये देखिए, ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बुकलेट है वो ऐसा दिया गया है। जिसमें रिएजेंट्स है, रिएजेंट्स में कौन कौन टॉपिक्स हमें पढ़ाए जाएंगे वो है। फिर रिएजेंट पढ़ने के बाद हमें ये सब एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4
फिर उसके जो आंसर किए, इन्होंने आंसर की भी दे रखा है यहाँ पर कि क्या क्या आपका आंसर की होगा। आइए और देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जैसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो गया, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस हो गया, बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह ज़्यादा पढ़ाए नहीं जाते लेकिन इन्होंने दे रखा है। और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चंस है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इस प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने दे रखा है। हाँ, तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा इनका है, क्या है कि इन्होंने इतना सारा बुकलेट दे रखा है तो कुछ अच्छा ही होगा। टोटल 10 बुकलेट्स है, और यहाँ पे एक हमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उसका भी एक बुकलेट दे रखा है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आईआईटी जेम में जो अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी आईआईटीएम 2080 सेक्शंस 1। जिस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उन्होंने इसी प्रकार से डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पर सेक्शन 2 है और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अच्छा है, और आपको पता ही है, आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फिर आप इनके एकेडमी पे जा कर के देख सकते हैं, बात कर सकते हैं।